Assalamualaikum, Government Employees News में खुश आमदीद। स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट के जेर तमाम चलने वाले दस्तकारी मराकज से फारिग किए गए मुलाजमीन ने ज़ियादम पाकिस्तान और ज़िला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि उन्हें फाटा कंट्रैक्ट मुलाजमीन के तर्ज पर बहाल करके मुस्तकिल किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक शुरू करने समेत भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर होंगे। पेशावर प्रेस क्लब में सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में क़ायम दस्तकारी मराकज में काम करने वाले मुलाजमीन मैडम काशफा ताहिर शाह और दीगर मुलाजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पिछले 20 साल से 24 दस्तकारी मराकज में 109 मर्द और ख़वातीन खुश उसलूबी से अपने खिदमात सरंजाम दे रहे थे। ताहम जून 2021 में हमें नौकरियों से फारग किया गया और प्रोजेक्ट को खत्म किया, जिसकी वजह से फारग किए गए मुलाजमीन के घरों में फाके आ गए। ताहम प्रोजेक्ट के खात्मे से जहां बेरोजगार हुए, वहीं गरीब सूबे में हुनर सीखने वाली बच्चियां भी महरूम हो चुकी हैं। जबकि प्रोजेक्ट खत्म होने पर मुतल्लिका कौम ने मनपसंद अफराद को दोबारा बहाल किया और हम दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुलाजमीन ने ज़ियादम और ज़िला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया कि खुदारा हमारे बच्चों पर रहम करके हमें भी फाटा मुलाजमीन की तरह बहाल करके मुस्तकिल किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक समेत भूख हड़ताल शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे।